बॉलीवुड के रॉबिन हुड पांडे यानी कि अभिनेता सलमान खान वो इंसान है जो किसी की भी किस्मत पलट दे और जिसके लिए वो भविष्यवाणी कर दे वो सच भी हो जाए। पर अफसोस इनकी निजी जिंदगी के रिश्ते यानी कि लव स्टोरी को लेकर भी एक भविष्यवाणी बहुत साल पहले की गई है जो आज पूरे तरीके से सच हो चुकी है, जिसका यकीन सलमान खान को भी हो चुका है। यह भविष्यवाणी ऐसी है जिसके बारे में जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि इस भविष्यवाणी ने सलमान खान के रियल लव स्टोरीज को इनकी जिंदगी में पनाह नहीं देने दी। तो चलिए जानते हैं क्या है वो भविष्यवाणी। बॉलीवुड में सलमान खान को न सिर्फ उनकी एक्टिंग के लिए जाना जाता है बल्कि उनकी नाकाम लव स्टोरीज के लिए भी जाना जाता है जो बहुत खास रहे, और जब वो टूटे तो सलमान खान भी बुरी तरह से टूटे। लेकिन सालों पहले किसी एस्ट्रोलॉजर ने इनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ भविष्यवाणियां की थी जो आज पूरी तरीके से सच हो चुकी हैं। जी हाँ, वो भविष्यवाणी कुछ और नहीं बल्कि इनकी जिंदगी में किसी महबूबा का ज्यादा लंबे समय तक टिकना नहीं है और ना ही उनसे उनकी शादी होना लिखा है। तभी तो इतना ज्यादा लंबे अफेयर होने के बाद भी इनकी जिंदगी सूनी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इनकी ये भविष्यवाणी इनके लव अफेयर पर किस तरीके से बुरा असर डाल चुकी है। नंबर वन, शाहीन बानो। जब सलमान खान 18 साल के थे तब इनका दिल आया था कियारा आडवाणी की मौसी शाहीन बानो पर, जो इनके साथ कॉलेज में पढ़ती थी। खानदान अच्छा था, सलमान प्यार भी करते थे, पर फिर भी शाहीन से इनकी शादी नहीं हो पाई, बात नहीं बन पाई, क्योंकि इनकी कुंडली में तो पहले से ही ग्रह दोष था। नंबर टू, संगीता बिजलानी। 90 के दशक में जब सल्लू बॉलीवुड में आए तब इन्हें अपने से 5 साल बड़ी अभिनेत्री संगीता बिजलानी से प्यार हुआ, जिनके साथ ये शादी का रिश्ता निभाना चाहते थे और इन्होंने शादी के कार्ड भी छपवा लिए। पर इन वक्त पर सलमान खान की किसी गलती की वजह से संगीता बिजलानी ने ही शादी के लिए इनकार कर दिया। नंबर थ्री, ऐश्वर्या राय। हम दिल दे चुके सनम मूवी में ऐश्वर्या राय सचमुच सलमान से प्यार करने लगी थी, वहीं सलमान खान भी इनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन इनके ही बदतमीजियों की वजह से ऐश्वर्या ने इनका दामन छोड़ दिया और सलमान ने ऐश्वर्या के कितने भी पैर पकड़े पर वो इनके पास नहीं आई, क्योंकि पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी थी कि इनकी लव स्टोरी टिकेगी नहीं। नंबर फोर, कैटरीना कैफ। ऐश्वर्या से धोखा खाने के बाद सलमान खान अपने से 18 साल छोटी एक्ट्रेस कैटरीना कैफ के साथ रिलेशनशिप में आ गए और कैटरीना ने इसका फायदा उठाकर इन्हें रणबीर कपूर के लिए छोड़ दिया, और फिर से एक बार ये साबित हो गया कि सलमान खान के नसीब में सच्चा प्यार नहीं है। नंबर फाइव, लूलिया वंतूर। आज से 5 साल पहले रोमानियन एक्ट्रेस और सिंगर लूलिया वंतूर ने सलमान खान के साथ काफी लव अफेयर के चलते सुर्खियां बटोरी थी और सलमान खान भी इनके साथ थोड़े सीरियस हो गए थे, पर पता नहीं क्या हुआ कि दोनों का ब्रेकअप हो गया। नंबर सिक्स, जैकलिन फर्नांडिस। श्रीलंकन ब्यूटी जैकलिन फर्नांडिस का भी नाम सलमान खान के साथ कुछ टाइम पहले जुड़ा था, जहां पर सलमान खान ने उनके करियर को बहुत बड़ी उड़ान दी थी, लेकिन जैकलिन फर्नांडिस ने सलमान खान के स्टारडम का फायदा उठाकर उन्हें ही फंसाने की कोशिश की, जिसके चलते सलमान खान का भरोसा जैकलिन से उठ गया और ये जैकलिन से अलग हो गई। नंबर सेवन, सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी सिन्हा वो एक्ट्रेस हैं जिन्होंने सलमान खान के साथ बड़े पर्दे पर बड़ा धमाका मचाया हुआ है, और कुछ टाइम पहले रूमर के अकॉर्डिंग इन दोनों की शादी होने वाली थी, जिस पर सलमान खान ने कभी कोई बयानबाजी नहीं की। पर अब सुनने को ये आ रहा है कि सलमान खान को छोड़कर सोनाक्षी जहीर इकबाल के साथ शादी करने वाली हैं। ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सलमान खान को लेकर आज से बहुत साल पहले जो भविष्यवाणी की गई थी कि इनके साथ कोई भी लड़की टिकेगी नहीं और ना ही इनसे कोई शादी करेगी, वो बात पूरी तरीके से 100% सही है। तो दोस्तों, क्या आपको भी इस भविष्यवाणी पर यकीन हो गया है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।